हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लव कुश फिटनेस। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम चल रहे हैं छोटू भैया की शादी में। तो एक मंथ पहले मैं छोटू भैया की शादी में गया था, तो उसी का ये व्लॉग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इंटरसिटी पकड़ ली है लखनऊ से, एंड मैं इलाहाबाद की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। छोटू, मैं आ रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज, एंड हेयर वी आर सीइंग छोटू भैया की भैंस और उनका बछड़ा। तो ये शादी वाला दिन है और बैंड बाजा बारात वाले आ चुके हैं, नहीं सॉरी, बारात ही हैं बैंड बाजा वाले। और ये छोटू भैया हमारे नहा रहे हैं। हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन कि सारा कुछ मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, ये देखिए क्लोजअप शॉट छोटू भैया का शादी से पहले नहाते हुए। सो एक्साइटमेंट्स आर टू द नेक्स्ट लेवल। और आप देख सकते हैं मैंने अभी से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया है। सो हेयर इज़ आर छोटू भैया। शादी से पहले उनका कुछ ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें उनके ऊपर चुनरिया चढ़ा दी गई है। तो फाइनली द फंक्शन हैज स्टार्टेड एंड दिस आर लवली फैमिली। बट मैं यहाँ पे सबको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। मेन कैरेक्टर फोकस करिए आप, छोटू भैया देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं आप उनके चेहरे पे। उनको भी लग रहा है कि क्या बना दिया है मेरे को। सो फाइनली छोटू भैया तैयार होते हुए वो अपने शादी का गेटअप लेते हुए, बाकी छोटू भैया कलर बहुत अच्छा चूज़ करते हैं, मुझे ये काफ़ी पसंद आया था एकदम। छोटू भैया पहनने ओढ़ने में बहुत तेज हैं भाई, इनके ब्रांड्स एंड ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। और ये लड़का तैयार हो रहा है, रॉयल लाइफस्टाइल। सो दीज आर द बैंड बॉयज, बहुत ही मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से बजा रहे थे। तो मैंने कहा इनका भी एक शॉट लेना बनता है। और जैसे कैमरा इनकी तरफ किया, इन लोगों के अंदर एनर्जी डबल हो गई, मतलब एनर्जी थी 1.5x समझ सकते थी, बट इंटू 2 हो गई। एंड ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन में बजाते हुए, वेरी गुड बॉयज, कीप इट अप। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द लोकेशन एंड यहाँ भी बॉयज बैंड बॉयज बजा रहे हैं, वेल डन बॉयज, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे डांस करते हुए आगे। एंड दिस द छोटू भैया का रथ, वो अभी भी छुपे हुए हैं। तो अब शुरू हो चुका है, छोटू भैया का रथ आगे बढ़ रहा है और हम लोग उनकी स्नीक पीक देख रहे हैं और उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटू भैया देखो, ये लेट्स गो। सो ये दूसरे एंगल से छोटू भैया को हम लोग दिखाते हुए, ये वाह वाह चमक रहे हैं बिल्कुल। फिर से भैया, छोटू भैया देखो इधर, हाँ ये लेट्स गो। सो फाइनली डांस की शुरुआत हो चुकी है एंड एज यू से लेडीज फर्स्ट। सो लेडीज हैव taken upon the stage and they are setting the stage on fire. So here we go, bhangra continues. अच्छा, किस किस को डांस करना शादी में बहुत पसंद है ना, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ साइड से देखते हैं, बट यू हैव टू गो ऑन द ग्राउंड, तभी आपको पता चलेगा डांस होता क्या है। एंड अभी लेडीज़ का डांस है, आगे चल के अभी अपने लोग का भी डांस आएगा मेन सेक्शन। सो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कवर करें, कोई छूटे ना। एंड डीजे वाले बाबू बढ़िया से बढ़िया गाना बजाते हुए, एंड द लेडीज़ कंटिन्यू टू डांस, वेरी गुड वेरी गुड, येप कम ऑन, बहुत बढ़िया। सो फाइनली दिस इज़ द मेन पार्ट। अब यहाँ आपको दिखेगा नागिन डांस। जो लोग नागिन बनना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं नागिन बनने की, वो इस गाने के बाद बन जाएंगे। और फाइनली सब नागिन ही बन जाते हैं, सपेरा भी बनते हैं लोग वैसे। अभी देखिए आपको दिखेगा इसमें एक सपेरा, ये जो गमछा निकालते हुए, ओके फाइनली। सो यहाँ पे एक मेन पार्ट आने वाला है, एक अभी तो सब कोई जज नहीं कर पा रहे हैं नागिन कौन सपेरा कौन, सब रैंडमली ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। सो देखते हैं, ये शादी में अगर ये गाना नहीं बजा तो बजा क्या,
ओके, सब अपने नागिन स्किल सिखाते हुए। ठीक है ठीक है, अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। इसमें एक एक नागिन और एक सपेरा जो फाइनली क्राउड का अटेंशन सीक करेंगे। ओके लेट्स गो लेट्स गो। वैसे मैंने भी डांस किया था बट मैं अपने वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं दूर से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दूसरों की। सो आफ्टर डांसिंग फॉर 1.5 hours या 2 घंटे भी हो सकते हैं पता नहीं, हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ ये चमकती हुई लाइट्स काफ़ी अट्रैक्ट करती हुई मुझे, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया। और ये छोटू भैया आते हुए फाइनली डांसर सारे इन हो चुके हैं एंड अब छोटू भैया की बारी है। तो फाइनली छोटू भैया की एंट्री हो रही है एंड गाना बजा है बादाम बादाम। सो बादाम बादाम गाने से छोटू भैया की एंट्री हो चुकी है और ये काफ़ी फ्लो में लेते जा रहे हैं। और ये पगड़ी गिर, ओह नो व्हाट द हेल मैन, ये लोग फ्लो फ्लो में इतना तेज लगे कि छोटू भैया की पगड़ी गिरा दी। थोड़ा कॉमेडी मोमेंट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा आगे बढ़ेंगे। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। ओ फाइनली उससे हम लोग निकल चुके हैं जो हमारी गुफा थी। सो हियर वी गो, दिस इज द मोमेंट, यहाँ पे वरमाला एक्सचेंज होते हुए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू भैया। सो अब शादी आगे कंटिन्यू हो रही है एंड मैं आ गया हूँ अपने हवा महल में। हवा महल मतलब यहाँ पे हम लोग के लिए सोने की व्यवस्था है, काफ़ी रॉयल है। मतलब इतनी हवा चल रही थी ठंडी लगने लगी थी रात में, लेकिन फिर सुबह हवा बंद हो गई थी एंड फिर गर्मी लगने लगी। तो फ्रेंड सीन ऐसा है कि विदाई में थोड़ी लेट हो रही, तो अब छोटू भैया खुश नहीं है, देखो फोन लगातार आ रहे हैं। हाँ बैठा बैठा हमने हम जाते 13 घंटा नहीं करवाया भाई, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बढ़ावा उठावा ऑर्डर आ चुका है, बढ़ाओ बढ़ाओ सब बैठे ना, तो चलो बैठे बैठे। अरे उन्हें बैठे तो का छोड़ा यार, तू निकलता अब देर नहीं होती पाके बरे, अब देर नहीं होती क्या, जब पाते जाए तो जाता का नहीं यार, ऐसा ही नहीं यार, बैठना जा बाहर आ गया यार सरवा चल बैठ। सो फाइनली विदाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है थोड़े विलंब के बाद एंड यहाँ पे ये आंगन वाला सीन है। सो शहर में तो मैंने नहीं देखा बट ये गाँव में काफ़ी होता है एंड दिस इज़ वेरी फन पार्ट ऑफ द विदाई। एंड ये देखें आप होली खेली जा रही है एंड यहाँ आपको लग रहा है सब बहुत मासूम हैं, सब आराम से बैठे हुए, कुछ नहीं, आटा पाउडर और ये आपका ये जो स्प्रे है स्नो वाला, ये सब आपके ये सब पहले आपको गिफ्ट दिए जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं एंड देन फिर आपके ऊपर अटैक किया जाता है। एंड ये देखिए तैयारी, ओहो छोटू भैया के ऊपर सबसे ज़्यादा स्प्रे, ओह मेरे ऊपर भी आ गया एंड ऑडियंस को भी झेलना पड़ जाता है। और ये देखिए पीछे जीजा जी हमारे मस्ती करते हुए, वाह वाह, यही एक अकेले मतलब वो हमारे सैनिक थे जो लड़ रहे थे लड़ाई, बाकी सब तो सिर्फ खा रहे थे। ओके यहाँ बच्चों को भी ट्रेन कर दिया जाता है, उनको भी पता है कि अटैक करना है। सो दिस इज़ द फन पार्ट एंड जिन लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस कर रखा होगा उनको पता होगा
कि मतलब थोड़ा सा आपको गंदा होना पड़ता है बट मज़ा भी बहुत आता है। एंड ओके कई राउंड्स में चलता है, मतलब कई राउंड्स क्या मतलब जितने लोग चाहें ओपनली अटैक कर सकते हैं। थोड़ा सा आदमी गुस्सा भी होता है लेकिन चलता है। सो फॉर द नेक्स्ट राउंड ये आई है हमारे एक क्यूट सी बच्ची। सबसे पहले गिफ्ट दिया एंड थोड़ा सा मेकअप किया छोटू भैया का। ओ सो क्यूट। और अरे ये क्या, इसने तो स्प्रे उठा लिया। नहीं 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 अरे ओ नो नो नो, इसने अपने ऊपर मार लिया। ओ फाइनली थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सबके ऊपर। ओ माय गॉड शी इज़ अ प्रो मैन। नो 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 बेटा नो। ओ नो ओ वापसी का अटैक। ओके ये लो इधर से साइड से थोड़ा सा पाउडर। हम लोग को बचना पड़ रहा है काफ़ी। देखो तौलिया वगैरह भी साथ में दे रखी थी तो इसलिए थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग का एक्टिव है। सो फ्रेंड्स ऐसे ही था अपना ये छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।